अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान और नई सुबह के साथ। रोज़ाना नए मेहमान बहुत ख़ास होते हैं, लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो बहुत 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 ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए, मेरे शो के लिए। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आए, और ये मैं बहुत एक तो शुक्र गुज़ार हूँ कि वो आए। उन्होंने वेट भी किया, मैं लाइव जो है ये एक्सक्यूज़ भी कर रही हूँ, लाइव सॉरी कर रही हूँ कि मैंने उनको बड़ा वेट करवाया और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं, बताते हैं। भाई आज हमारे साथ हमारे शो के ख़ास ख़ास मेहमान मौजूद हैं, देशी नज़ीर मज़ारी साहब और एडी मज़ारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आयो, ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह। ताँ की आयो, ठीक आयो? इन्होंने मुझे बोला कि सिंधी में इंटरव्यू करना, अब मेरी अगर सिंधी टूट जाए तो आप लोग मुझे माफ करना। देखो सही खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ताँ बताओ खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ताँ नाश्तो कयो? हां बिल्कुल करे। बस ना, पता नहीं सिंधी कैसी बोल रही हूं। सही बोल रही हूं ना? पक्की बात? आपने नाश्ता किया? जी जी। उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए उसको मैं उर्दू में बोलूंगी। आपने नाश्ता किया? जी। कब सो के उठे वैसे? क्या टाइमिंग होती है? आज मेरे शो की वजह से जल्दी उठ गए होंगे। वैसे नॉर्मली वो जल्दी उठते हैं। सही आप? हाँ बिल्कुल, ताजे करे होती है। कूड़ 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 बाकी कूड़ कूड़ कूड़। अच्छा भाई, देशी नज़ीर मज़ारी हमारे बहुत सिंध का प्यारा एक नाम है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, हम सब जो है बड़े फैन भी हैं लोग आपके। सिंध में एक नाम है और देशी नज़ीर मज़ारी का आपने एक गाना भी सुना होगा, ये वही देशी नज़ीर मज़ारी है, वही जो गाने में बड़ा मशहूर थे और टिकटॉक स्टार भी हैं, पोइट्री भी करते हैं। ये मुझे सुनने में आया और ये कह रहे हैं कूड़ है, लेकिन मैं बोल रही हूँ करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि भाई लाइफ की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, टिकटॉक ऐप पर कैसे आना हुआ। हाँ साईं, टिकटॉक एक ऐप हो जो हर मूँ हलए पो, अस भी हलोसी कुछ टाइम का वक्ते वक्ते से मानू के शोहरत मिलो असके भी मिले तो वो दोस्तन भी चाहिए पैर रोक रुकावट थो फैमिली की तरफा दोस्तन की तरफा यो हलो न मुनासिब ना है तो छो जो अस सुठे फैमिली से बिलॉक हर मू मतलब सुठे फैमिली से ताल्लुक तो रखे तीन अस फैमिली वन तो न हलो तो वक्फे से दोस्तन मजबूर किया संगत वन तो वो असें भी मज़ो अची वो हलईंदे छो जो काफ़ी दोस्त मिलन पाया नवा चेहरा अचन पाया टिकटॉक में अची माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इनका कहने का मकसद यह है कि एक फैमिली की तरफ से रोक टोक होती है, वो थी पहले, जैसे कि हर एक इंसान फेस करता है चीज़ों को, तो इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें फेस की, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता फेम मिला तो लोगों का प्यार देखा तो इन्होंने कहा इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, तो अब वो कंटिन्यू रखा तो काफ़ी एक इज़्ज़त मिल गई और मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग चली गई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इज़्ज़त बेशक देने वाला रब है। तो साईं पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए मेरे शो पर, क्योंकि यो तो असो फ़र्ज़ आ सिंधियों जो अस जो भी चैनल हो छो जो सिंध जो अस तद उन्हीं के असके शोहरत मिली तो अस फर्ज़ आ जो नवा चैनल के दोस्त के प्रमोट करें जो असो बाकी इज्जत दिलत से जो रब जी हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हम एडी मज़ारी की तरफ। भाई आपका क्या पर्सनल लाइफ, क्योंकि आप एक बिजनेस मैन हैं कह सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस माइंड के हवाले से क्या सोच विचार हैं कि बिजनेस क्या, किस चीज़ का बिजनेस है, कैसे बिजनेस शुरू किया? एक्चुअली मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। तो मेरा स्टार्टिंग से माइंड था कि मुझे अपना काम ही करना है, तो मैं अपने फील्ड के तरफ भी था, तो सेकेंडली जैसे मैं इस तरफ आया हूँ गारमेंट्स के फील्ड में आया हूँ तो मुझे अपने फील्ड से ज़्यादा मुझे मज़ा आने लगा। अच्छा। तो चीज़ें मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई, तो जैसे चीज़ें समझ में आने लगी तो वो कहते हैं वो लोग, किसी ने मुझसे कहा था कि एक सियासती बंदे से और एक बिजनेसमैन से जो ये सेल परचेज का काम करता है इससे अल्लाह बचाए, ऐसा सीन तो नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसा सीन नहीं है। उल्टी छुरी तो नहीं खरीदते? उल्टी छुरी नहीं है, जो चीज होती है सामने होती है भाई, ये चीज है, हम चीज देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, क्वालिटी देते हैं। हाँ। तो लोग हमारे पास आते हैं, देते हैं चीज देख के। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर मैं सियासत की बात करूं तो देशी नज़ीर मज़ारी साहब भी कुछ पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करते हैं और अभी भी है। टिकटॉक ऐप तो एक जो है सिर्फ कहते हैं फन है, टाइम पास है, लेकिन इंसान की एक रियल जाती जिंदगी बहुत अलग होती है, जो कि आपकी हमने देखी है, ऐप्स पे भी देखी है, टिकटॉक पर भी देखी है। एक सियासत में क्या है आपका रोल, किरदार? सियासत मतलब आज के दौर में लोग बोलते हैं की एक वकील और एक डॉक्टर एक सियासतदान होना चाहिए हर घर में, तो इस वजह से मेरा फैमिली कोई भी
सियासत नहीं करते हैं। मैंने पहले दिन से जब मैं बचपन में स्टडी करता था उस टाइम मुझे एक शौक़ था कि मैं सियासत करूँ, तो आज अलहमदुल्ला मेरा नाम बन गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट मुझे जानता है और पूरा सिंध भी जानता है कि मैं सियासत में कामयाब हो चुका हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो साईं, फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर अब तो कल का दिन का पता नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर जान, जो भी होगा अच्छा होगा उम्मीद है। ठीक ठीक। साईं मैरिड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा बोला अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने? ये दिल से बोल रहे हैं या कैमरे की मजबूरी है? इसमें गलत तो नहीं है? ये मैं ऑफ स्क्रीन पूछूंगी। हाँ साईं जी, आप मैरिड हैं? अच्छा, उन्होंने बड़े उदास से बोला जी, ऐसा क्यों? ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो आप ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते, वो ऑफ स्क्रीन पक्की बात है। आप मुझे ऑफ स्क्रीन बता देना, कल मैं ऑन ईयर चला दूंगी खुद बोलकर। आप नहीं होंगे ना, कोई और गेस्ट होगा। तो भाई, ये है देशी नज़ीर मज़ारी, इनकी लाइफ, पॉलिटिक्स, टिकटॉक ऐप। अच्छा, पोइट्री के बारे में क्या कहेंगे? अक्सर आप पोइट्री भी करते हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे उस्ताद जो मुमताज़ मुलाई साहब शायर, मुझे उस्ताद ज़ुल्फ़िकार मंगी साहब जो शिकारपुर में बिलोंग करे दो, माशाल्लाह वो तमाम अज के दौर में शुरू का वठी अज के दौर तक फेमस आए ना, अल्लाह उन्हें अजा इज्जत दे, उन्हें से गद आयो इंशाल्लाह अगते भी हुंदा दी। जो गानो मुझे तो बुध हों मशहूर वाली जोड़ी केड़े जालिम तोड़ी कारो वगो सिपाही केड़े जालिम तोड़ी असा के भी बुधायो बिल्कुल। ये गानो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वायरल थियो, अगते भी इंशाल्लाह कोशिश आए इंशा। आगे क्या प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? किस चीज के बारे में? कोई सॉन्ग्स के प्रोजेक्ट्स और आएंगे? सॉन्ग्स तो अभी तो मुहर्रम खत्म हुआ है, इसके बाद अब एल्बम होगा इंशाल्लाह, होंगे साथ एल्बम्स होंगे आगे। और क्या प्रोजेक्ट्स होंगे? और क्या, बस सियासत चलेगी? और सियासत तो ऑलरेडी है और रहेगा भी सही। और बिजनेस भी? बिजनेसमैन भी हैं? हाँ। किस चीज का बिजनेस? बिजनेस मेरे अपने पंप हैं, मार्केट हैं, माशाल्लाह होटलिंग। अच्छा, पंप से याद आया, आज मैं सफर ट्रेवल करके आ रही थी तो ये पेट्रोल खत्म हो गया और मैंने अपनी गाड़ी रोड के बीच में खड़ी की। फिर मैं बताना नहीं चाहिए, जब मैं ऑटो में चढ़ रही थी तो वहाँ पे जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की वहाँ पे एक फूलों की दुकान थी, तो मैंने उसको ये बोला कि आधा अभी ले गए होंगे। हाँ, अभी तो पता नहीं कहाँ होगा। क्या कोई ले गया होगा गाड़ी? ऐसे नहीं बोले, शो में मुझे करने दे। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने उसको फूल वाले को बोला, आधा मेरी गाड़ी का ख्याल रखना, मैं 11 बजे तक आ जाऊँगी, मैंने उसको ऐसे बोला। उसने बोला हाँ मेरी दुकान खुली है 11:30 तक। अच्छा, जब मैंने उसको ये बोला, मैं आने लगी तो मुझे कहने लगा, उसने मुझे आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा ये इसने मुझे आवाज़ दी? मैंने पीछे, मैंने कहा जी। मुझे बोला आजकल सेलिब्रिटियों को भी पेट्रोल नहीं मिलता। जब उसने ये बोला तो मैं बड़ी हंसी। अब उसने मुझे रक्षे में चढ़ते हुए देखा, मैंने कहा यार ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ऑटो में आई हूँ, फिर आगे साईं ने थोड़ा मुझे इज़्ज़त दे दी, नहीं तो मुझे यहाँ तक आना पड़ता। तो पेट्रोल से खत्म है, ये क्या है? पंप से याद आया मुझे, पेट्रोल खत्म है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का ना, आपको हम वो तो है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है उस पे ही हम चल रहे हैं। अच्छा, ऊपर से महंगा होता है फिर सस्ता हो जाता है, जो भी मतलब कास्ट कर दें, जितने पेट्रोल लेते हैं बाद में तो उतने नुकसान तो कोई भी नहीं खा सकते ना, तो इस वजह से अब तकरीबन 40 रुपया डीजल, 18 रुपया जो है पेट्रोल का, सस्ता हो लगता है रोजाना भरवाते हैं बिल्कुल। तो भाई ये बात है। साईं आप क्या कहेंगे इस बारे में, आज जो मेरा वाक्या हुआ है गाड़ी के साथ? ये आपके साथ हुआ है तो आपको चाहिए हर किसी का नसीब है ना, नियत है। अच्छा अच्छा, घर से निकलते हुए आपको देखना। असल में मैं दिन सारा रात सारी मतलब घूमती रही हूँ, मुझे क्या पता था पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। ये नॉर्मली होता है तो ये देखना पड़ता है। कराची इतना बड़ा शहर है, मुझे मतलब नहीं था मिल लेगा आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मिल जाएगा, नहीं तो मजारी साहब की गाड़ी से ही निकाल कर थोड़ा डाल लूंगी, बोलूंगी बस घर तक पहुंच जाओ। हिम्मत करेंगे? पक्की बात है, ये मैं कैमरे के सामने तभी बुलवा रही हूँ। हामी ये जो है ना कैमरा, इसके सामने जो बुलवाना है बुलवा लो, बंदा मुकरेगा नहीं। अच्छा साईं से पूछते हैं, साईं गारमेंट्स का क्या ब्रांड का नाम है और थोड़ा बताएं, ताकि अगर कोई बाय करना चाहे या कोई विजिट करना चाहे, और आप डिस्काउंट कितना देंगे, हमारे रेफरेंस है कुछ? मैं वेस्टर्न टॉप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा वेस्टर्न। अच्छा, वेस्टर्न आपने किया, यार सिंधी हो के वेस्टर्न में किधर चले गए? तो नाम है बिल्कुल वही इस्तेमाल करेंगे। ओके, वेस्टर्न टॉप्स और मैक्सीज मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं ठीक है, डायरेक्ट रीसेलर को भी देता हूं, होलसेल भी देता हूं।
मैं सिर्फ इंपोर्टेड कपड़े पे काम करता हूँ। अच्छा, आपका जो बिजनेस है, स्टार्ट रेट क्या है टॉप्स के, फ्रॉक्स के स्टार्टिंग प्राइस? डिफरेंट हैं, होलसेल के अलग होते हैं, रिटेल के अलग होते हैं। रिटेल के जैसे कि 1400 से स्टार्ट होते हैं इनिशियली हमारे, मतलब रीजनेबल प्राइस है, हर कोई बाय कर सकता है रीजनेबली। और जो रिटेल से जो कंपेयर करें तो मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है उसके रेट कम है। ऑनलाइन पेज आप कुछ शेयर करें? सी एवर बाय मजारी के नाम से, सी एवर। तो गाइज आप जाएं उस पेज को भी फॉलो करें और वहाँ पे जाएं आप बाय भी करें, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। और अगर हमारा रेफरेंस देंगे तो 10-20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और हमारा नाम हमें उठा कर लेके जाएंगे तो फ्री में मिल जाएगा। मजारी साहब देख रहे हैं ये दोनों क्या बिजनेस की बातें कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं बस बैठ के, बस मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्या करें। अच्छा, आप इस साइड मजारी साहब को क्यों नहीं लेकर आए? मदारी साहब अलहमदुल्ला वो एक मुझसे पहले ही सेटल है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, मैंने तो इनिशियल अभी स्टार्ट किया। तो मल्टीपल बिजनेस है ना, एक तो है नहीं और लैंडलॉर्ड भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको जरूरत नहीं है छोटे बिजनेस स्टार्ट करने की। लेकिन ये छोटे बिजनेस से इंसान ऊपर जाता है, सही क्या इनको थोड़ा आप क्या कहेंगे, अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो कामयाब होगा, हर किसी का मतलब यकीन होता है, ऐसा ही है। इंशाल्लाह कामयाब जाएगा। इंशाल्लाह आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा भी पर्सनल थॉट भी है, और मैं अगर एक खुद बिजनेस वुमेन माइंड से सोचूं तो अगर इंसान 30 रुपये भी इन्वेस्ट कहीं करता है ना, अगर इन फ्यूचर उसको स्पेंड करना चाहे तो वो होते हैं, अगर यकीन हो तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगा। इतना कि मेरी दुआ है आप जो है पूरे कराची में और पूरे सिंध में आउटलेट्स खोलें, ब्रांचेस खोलें। इतना हाजिर नौकर बाबा, और क्या लाइव बोल रही हूँ, आप जब बोले खादिम। तो ये थे देशी नज़ीर मजारी, इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी शायद किसी ने आज तक नहीं पूछा हो। मैंने हिम्मत की और मैंने कहा मजारी साहब ज़रा हिम्मत करें, थोड़ा फैंस को पता चलना चाहिए ना लाइफ के बारे में, क्योंकि हर कोई टिकटॉक भी देखता है, किसी को क्या पता आपकी रियल लाइफ क्या है। जी बिल्कुल, ऐसा है, मैंने अच्छा किया ना इंटरव्यू लिया आपका, मजबूरी बोलनी पड़ेगी। जी। आप क्या मैसेज देंगे फैंस को या आप अपने बिजनेस के हवाले से? क्या मैं सिर्फ अपने बिजनेस के ही बारे में बात करूं, क्योंकि टिकटॉकर मैं हूं नहीं और मुझे फैन नहीं अभी चाहिए। आपको टिकटॉक पे आना पड़ेगा, अभी आप बिजनेस में मुझे सिर्फ है। मुझे कस्टमर, रियल कस्टमर चाहिए। हाँ, बस आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूंगा कि आप एक बार मेरा विजिट करें, ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है, शॉपिफाई भी है, सी एवर बाय मजारी के नाम से, बिल्कुल रीजनेबल हमारे प्राइस होते हैं और अच्छी क्वालिटी के और इम्पोर्टेड कपड़े एवं। प्लीज़ गाइज गो एंड चेक, मस्ट विजिट, मस्ट शेयर, मस्ट फॉलो, और बहुत सारा प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, जैसे आपने तारा रारा को दिखाया। और तारा रारा, मैं जहाँ भी जा रही हूँ आजकल मुझे लोग रोड पे भी मेरा नाम तारा है, तारा रारा बोलते हैं तो मैं हंस पड़ती हूँ, यार रियल नेम तो लो, ये मेरा शो का नाम है। साईं, क्या फैंस को मैसेज देंगे, सिंध वालों को, सिंधी में जेके भी सिंध जा न्याणियूं हुजन, सिंध जा छोकरा हुजन, सिंध जा मर्द हुजन, जेके भी चाहिनि था अलहमदुल्ला उन्हनि जी शोहरत सां असां जेको आहे सो अॼु हिते मंज़िल माणियो आहे। इनशाला असां उन्हनि दोस्तनि खे इहो रिक्वेस्ट कंदासीं त पंहिंजे वालदेन जो हिमत कयो, तव्हांजा वालदेन जेके आहिनि उहे दुख सुख जा साथी आहिनि, बाक़ी जेके इहे दोस्त हुजनि या मिसाल तौरु कोई बि हुजे अॼु जे दौर में साथ न ॾींदो आहे माउ पीउ खां सवाइ। पंहिंजे माउ पीउ जो इज़त कयो, पढ़ाई लिखाई कयो, पंहिंजे टाइम सां टाइम ॾियो ऐं आवागर्दियुनि खां बचो, छो जो हीउ दौरु तमामु ग़लति हले थो अगरि माण्हू ॾिसजे त। बाक़ी जेके बि आहिनि मुंहिंजा टिकटॉकर फैन ॾिसनि था, सभिनीनि खे चवंदुसि टिकटॉक खे सीरियस न वठनि, हिकिड़ो ऐप आहे उन हिसाब सां हलनि। जी, मेरे लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, तमामु बहितरीन तव्हांजो जो वर्क आहे, असांखे तमामु ख़ुशी थींदो आहे, छो जो तव्हां सिंधी आहियो, अॻिते बि दोस्तनि खे प्रमोट कयो, जेके बि असांजा नंढा यूज़र आहिनि, असां सभिनीनि खे गुज़ारिश कयूं था त अचो जेको आहे सो हिते शो अटेंड कयो, हिन में तव्हांखे तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं बि मिलंदियूं ऐं जेके बि ॻाल्हि थींदो तव्हांजे ॿिया माण्हू बि ॿुधंदा ऐं तव्हांखे इज़त बि इनशाला मिलंदी। मेहरबानी, आप आए अगेन, साईं शुक्रिया। तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास इंसान का शो था, हमारे सिंध का बहुत प्यारा नाम का शो है, और जिन्होंने बहुत कम टाइम में सिंध में अपना नाम बनाया, पॉलिटिक्स में भी और एक सोशल मीडिया ऐप्स पे भी। तो हमारी भी दुआएं कि साईं आप बहुत आगे तक जाएँ और कामयाब हों, आपके ब्रांड के लिए मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं, और मुझे तो आप सब लोग दुआ में याद रखते ही हैं, और कुछ लोग
बदवाएं भी दे रहे हैं आजकल, तो आप भी दुआ में याद रखें आप भी। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। देशी नज़ीर मरारी जिसका फेवरेट है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।